नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक एसी डीसी चार्जिंग बल्ब है। दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको पीछे से ऐसे टच करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो एलईडी है वो डीसी करंट पे काम करता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा बल्ब है दोस्तों, ये होने वाला है पूरा चार्जिंग बल्ब, एसी डीसी बल्ब ये होने वाला है दोस्तों। इन्वर्टर बल्ब भी इसे बोला जाता है और जादू बल्ब भी इसे बोला जाता है। लेकिन दोस्तों यार, दिक्कत इसमें यह आ रही है कि जब मैं इसे मेन इस पावर पर लगा रहा हूँ, इस होल्डर पर लगाऊंगा, आप देख सकते हैं मेरे इस होल्डर में दोस्तों 220 वोल्ट सप्लाई है। लेकिन जब मैं इसको इसमें लगा रहा हूं तो दोस्तों ये मेरा बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि ये बल्ब मेरा एसी में काम नहीं कर रहा है, एसी करंट में काम नहीं कर रहा है। और दोस्तों साथ में बात करूं तो दोस्तों ये डीसी करंट में मेरा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत बढ़िया जो है मेरा ये बल्ब ग्लो कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बल्ब को रिपेयर करना सिखाने वाला हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जो डीओबी लगी हुई है दोस्तों, इस डीओबी को अल्फा डीओबी बोलते हैं। और दोस्तों ये क्यों खराब हुई है, कहाँ पर खराब हुई है, वो मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपको इसकी जो ये सभी एलईडी हैं दोस्तों, ये विजुअली चेक कर लें दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं, यहां पे चेक करके दिखा देता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे जो ये अंदर साइड की एलईडी है दोस्तों, ये हमारी डीसी करंट से काम करती है, यानी कि जो ये बैटरी लगी है ये बैटरी से ऑपरेटेड है। और दोस्तों जो हमारी आउटर है, बाहर की जितनी भी एलईडी है दोस्तों, ये मेरी 220 वोल्ट एसी सप्लाई से जलती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि यार ये हमारा बल्ब क्यों ग्लो नहीं हो रहा है, इसमें कहां पे दिक्कत है। दोस्तों हमें कुछ अच्छी तरीके से इसका जो ये पूरा डीओबी है, कंप्लीट डीओबी सर्किट देख लेना है दोस्तों, कहीं हमारा कैपेसिटर तो खराब नहीं है या फिर कहीं पे इंडक्शन कॉइल तो खराब नहीं है, ये हमको चेक कर लें दोस्तों। अगर हमारा ये भी सही है और उसके बाद भी हमारा बल्ब नहीं जल रहा है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप देख सकते हैं हमें इसकी जो एलईडी है सभी एलईडी प्रॉपर तरीके से चेक करनी है आपको। दोस्तों इसमें एक ये ब्लैक एलईडी दिख रही होगी दोस्तों, इससे क्या है दोस्तों, ये हमारी एलईडी जो है ये हीट के कारण यहाँ पर जल चुकी है। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सर्किट है वो ब्रेक हो रहा है और जो हमारा पूरा सीरीज़ है वो बन नहीं पा रहा है और हमारी एलईडी ग्लो नहीं होगी। दोस्तों हमें क्या करना है, अपने इस एलईडी को दोस्तों यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। तो दोस्तों मैं इसे रिप्लेस करके आपको दिखाना, आपको एक बार इसको रिपेयर करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसे रिपेयर करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको ले लेना अपना सोल्डिंग आयरन दोस्तों, और सोल्डिंग आयरन की सहायता से आपको जो ये वाली एलईडी है जो कि काली हुई है, इस वाली एलईडी को दोस्तों सोल्डिंग आयरन की सहायता से कुछ इस प्रकार से निकाल देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये एलईडी जो है अपनी प्रॉपर तरीके से निकाल दी है। दोस्तों उसके बाद लेनी है हमें अपनी सोल्डिंग आयरन, और दोस्तों सोल्डिंग आयरन में हमने कुछ इस प्रकार से दोस्तों अपनी सोल्डिंग वायर लगा देनी है। और वायर लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये टर्मिनल जहाँ से हमने एलईडी निकाली थी दोस्तों, वहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने इस सोल्डर को दोस्तों यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो अपनी सोल्डरिंग है कुछ इस प्रकार से पेस्ट कर दी है, मैं आपको एक बार दिखा दूँ प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों आपको भी कुछ इस तरीके से एलईडी को रिमूव करके यहाँ पे सोल्डरिंग पेस्ट कर देनी है अपनी इस सोल्डरिंग आयरन की सहायता से दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको इसको एक बार टेस्ट करके दिखाऊँगा दोस्तों, यार होप कि यार ये हमारा वर्क कर जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा होल्डर है, और मैं अगर इसे अपने होल्डर में लगाता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये अब हमारा कंप्लीट तरीके से दोस्तों एसी करंट में भी काम करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं सभी इसकी एसी जो लाइट्स हैं वो यहाँ पे जल रही हैं। और दोस्तों एक बार हम इसे फिर से डीसी में चला के देखेंगे, ये देखिए दोस्तों ये डीसी में भी वर्क कर रहा है, दोनों तरीके से दोस्तों ये काम कर रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में कमेंट करना। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।